तो चलिए गाइस, अभी मैंने जो गेम को स्टार्ट कर लिया है और यहाँ पे अभी एक 7 MB का जो अपडेट यहाँ पे आ चुका है। तो देखते हैं गाइस, इसमें जो क्या अपना जो ग्लिचेस और जो बग्स वगैरह चल रहा था अपना, अभी जो इवेंट्स हो गया या फिर जो TDM वगैरह हो गया, यहाँ पे चेयर पार्क के अंदर जो टाइमिंग वगैरह दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो सारा कुछ जो देखने वाले हैं यहाँ पे, क्या ये फिक्स आउट हुआ है ये 7 MB के अपडेट के बाद या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अभी मेरा जो गेम है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अपडेट तो मैंने जो ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने अभी तक जो अपडेट नहीं किया या आपने अभी तक जो गेम को स्टार्ट नहीं किया, तो एक बार जो गेम को लॉगिन कीजिए यहाँ पे, मतलब चालू कीजिए, उसके बाद आपको जो अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं अभी जो दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। उससे पहले गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे जो इससे रिलेटेड वीडियो आता रहता है, इन्फॉर्मेशन वगैरह जो हमें RP मिशन वगैरह से रिलेटेड। तो यहाँ पे पहले मैं जो इवेंट्स में आ जाता हूँ, तो यहाँ पे अपने को जो एक इवेंट्स जो है दिखाई दे रहा था यहाँ पे RP लिमिटेड वाला, वो यहाँ पे अभी जो दिखाई नहीं दे रहा। मैंने देख लीजिए दोबारा यहाँ पे जो बैक जाके दोबारा ओपन किया इवेंट्स वाला सेक्शन, तो यहाँ पे अभी वो इवेंट जो है दिखाई नहीं दे रहा। तो अभी बात कर लेते हैं अपना जो यहाँ पे TDM है उसके अंदर अपना जो अपडेट है वो यहाँ पे हुआ या नहीं, जो फिक्स आउट हुआ या नहीं। तो अभी यहाँ पे रॉयल अरीना वाला जो TDM है, मैं यहाँ पे जो प्ले कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लिया, और इसके अंदर दो जो वेपन्स है जिनके अंदर आपको जो एमओ का ग्लिचेस वगैरह देखने को मिल रहा था या जो बग बोल सकते हो वो देखने को मिल रहा था, तो दोनों गन से यहाँ पे मैं जो सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले यहाँ पे अपना जो AR में ही दोनों गन आता है यहाँ पे, तो पहला जो गन है यहाँ पे S32 वाला है, उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा गन से ये भी मैं जो सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो पहले इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने पहले वाले स्लॉट में। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा वाला स्लॉट है इसमें मैं जो अपना एक और गन से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जिसका नेम होने वाला है हनी बेजर, तो इसको भी जो सिलेक्ट कर लेते हैं। ये दोनों गन्स के अंदर आपको जो एमओ देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो मैं अभी जो स्टार्ट कर लेता हूँ और आगे चल के आपको जो बताता हूँ गाइस यहाँ पर। तो चलिए गाइस, अभी अपना जो गेम है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे अभी आप देख सकते हो जो 30 MO आपको जो दिखाई दे रहा है हनी बेजर वाले गन्स में, और इसके राइट साइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको 0 MO जो दिखाई देता है। तो पहले मैं ये एमओ जो है फिनिश कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि अपना जो एमओ यहाँ पे फिक्स आउट हुआ या नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पे जो एमओ सारा जो है खत्म हो गया है, 30 MO आपको जो यूज़ करने के लिए मिल रहा है। तो ये अभी जो बग्स है या जो ग्लिचेस है ये अभी तक जो फिक्स आउट नहीं हुआ है यहाँ पे 7 MB के अपडेट में। तो अभी मैं आपको जो दूसरा गन्स है उसका भी जो गेम प्ले दिखाने वाला हूँ, पहले यहाँ पे मैं ड्रॉप वगैरह से जो एमओ वगैरह पिकअप कर लेता हूँ, उसके बाद अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जो रीलोड वगैरह कर लिया है मैंने। तो स्टार्टिंग में अगर आप देखते हो तो आपको जो 30 MO जो दिखाई देगा, तो अभी मैं जो गन्स है वो यहाँ पे स्विच कर लेता हूँ। यहाँ पे अपने जो दूसरा गन्स है यहाँ पे S32 वाला, इसमें भी आपको जो 30 MO देखने को मिल जाएगा, तो इसका भी जो फिक्स आउट अभी तक जो नहीं हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखा रहा हूँ गेम प्ले में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जो स्टार्टिंग में जो 30 MO जो है देखने को मिलेगा, उसके बाद अपना जो एमओ यहाँ पे फिनिश हो जा रहा है। तो ये जो ग्लिच है या जो बग्स है यहाँ पे अभी तक जो फिक्स आउट नहीं हुआ है। मैं आपको जो थोड़ा और प्ले करके दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे। नहीं, बहुत सारा बंदा बोलेगा कि 7 MB का जो अपडेट आया है उसमें ये फिक्स आउट हो गया या नहीं हो गया, तो अभी मैंने आपको जो दिखा दिया यहाँ पे, बहुत सारा बंदा ने नहीं दिखाया होगा। तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर लेता हूँ गेम को अभी यहाँ पे, तो बाकी का जो और चीज़ है अपना जो इवेंट्स वगैरह उनके बारे में अभी आपको जो बता देता हूँ यहाँ पे। तो अभी बात कर लेते हैं अपना जो नेक्स्ट है यहाँ पे, अपना जो ग्लिच है वो फिक्स आउट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे अपने को आ जाना है अपना जो फ्रेंड लिस्ट है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक मैसेज का जो आइकन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत सारे बंदों पर आपको दिखाई दे रहा है अभी, बट बहुत सारे बंदों पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक बंदे को इन्वाइट करके। तो जैसे ही आप उसको इनवाइट करोगे तो आपका यहाँ पे एक नोटिफिकेशन उस बंदे को जो है देखने को मिलेगा, जब भी वो ऑनलाइन आएगा तो उसको जो है पता चल जाएगा कि इस बंदे ने मुझे जो इनवाइट किया था जब मैं ऑफलाइन था। तो इसका जो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ये बोल सकते हो कि यहाँ पे ये भी अभी पूरे तरीके से जो फिक्स आउट नहीं हुआ है। तो अभी आ जाते हैं अपना जो चेयर पार्क है, इसमें अपने को जो आ जाना है यहाँ पे, या फिर आप जो ट्रेनिंग ग्राउंड्स में भी जो है जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो टाइमिंग है वो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो टाइमिंग है ये अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब ये भी जो फिक्स आउट वगैरह नहीं हुआ है। बाकी आप जो प्लेयर्स वगैरह वो सारा कुछ आपको जो है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जो प्लेयर्स वगैरह वो सारा आपको देखने को मिलेगा, बट अपने को जो टाइमिंग है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, यानी इसका भी जो बग है यहाँ पे जो ग्लिचेस है वो अभी फिक्स आउट नहीं हुआ है। आप प्लेयर वगैरह देख सकते हो यहाँ पे, बाकी टाइमिंग आपको जो है कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे मैप के कॉर्नर पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो टाइमिंग का लाइन है उस पर जो यहाँ पे डैश डैश जो बना हुआ आ रहा है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी अभी तक जो फिक्स आउट नहीं हुआ है 7 MB के अपडेट में। तो चलिए गाइस अभी जो बाकी का चीज है वो भी आपको जो बता देता हूँ, यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं पहले। तो चलिए गाइस अभी बात कर लेते हैं अपना जो न्यू क्रेट आया है जिसमें आपको कार का स्किन देखने को मिल रहा है, वो बहुत सारे बंदों को अभी जो मिल चुका है, बट उसका जो स्किन है यहाँ पे वो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जैसे आप जो गाड़ी का स्किन जो यूज करते हो व्हीकल में बैठने के बाद, तो उसको जो कार का स्किन है वो वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। जो नॉर्मल कार रहता है वैसा ही उसको जो है दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो कार का स्किन है वो भी अप्लाई वगैरह नहीं हो रहा था। तो अभी मेरे पास तो जो स्किन नहीं है तो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता यहाँ पे, बाकी हो सकता है 7 MB के अपडेट के बाद बहुत सारे बंदों को जो कार का स्किन है वो यहाँ पर दिखाई देने लगे। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा जिसके पास भी जो कार का स्किन है वो आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपना जो हेलफायर का, यहाँ पे एक जो क्रेट है वो यहाँ पे आ चुका है। तो ये जो हेलफायर का स्किन है ये 7 लेवल का अपग्रेड होने वाला है। इसके लिए आपको जो कोई भी मटेरियल वगैरह का जरूरत नहीं पड़ेगा अपग्रेड करने के लिए। बाकी और आइटम भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो गाड़ी का स्किन है या फिर जो आउटफिट है, तो इसका जो इमोट्स वगैरह है ये भी आप देख सकते हो। तो इसका अगर आप जो क्रेट ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको जो है ये AKM का हेलफायर वाला स्किन है जो कि 7 लेवल का अपग्रेड वाला स्किन है, यहाँ पे आपको मिल सकता है अगर आपका लक बढ़िया रहता है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे एक क्रेट ओपन करते हो तो इसका जो प्राइस रहने वाला भी यहाँ पे 50% ऑफ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आपको जो 30 UC में एक क्रेट जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आप जो सेकंड टाइम ओपन करोगे तो आपका जो है 60 UC यहाँ पे लगने वाला। तो मैं यहाँ पे एक क्रेट ओपन कर लेता हूँ, अभी जो बाउचर वगैरह भी यूज़ नहीं हो रहा, तो देखते हैं गाइस अभी अपने को जो क्या मिलने वाला है। तो गाइस अगर 30 UC में मुझे हेलफायर का स्किन मिल जाता तो मज़ा ही आ जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। सिल्वर कॉइन जो मुझे देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप यहाँ पे दोबारा ओपन करते हो तो आपको जो 60 UC यहाँ पे जो खर्चा करना पड़ेगा क्रेट ओपन करने के लिए। बाकी जो 60 UC के यहाँ पे कॉर्नर पे आपको जो टाइमिंग है वो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 14 घंटे 15 मिनट का कुछ टाइमिंग यहाँ पे आ जाता है। तो इस टाइमिंग के बाद हो सकता है आप जो 50% दोबारा से ऑफ ले सकते हो, यानी जो 60 UC का क्रेट है वो 30 UC में जो ओपन कर सकते हो। बाकी अपना जो बाउचर्स है उसका जो है यूज़ आप कैसे कर सकते हो, अगर आप 10 क्रेट एक साथ ओपन करते हो तो आपका जो 10 UC या 20 UC का जो बाउचर है उसे आप जो है यूज़ कर सकते हो। बाकी सिंगल क्रेट में आपको जो है यही टाइमिंग आपको देखने को मिलेगा। अगर आप जो एक क्रेट ओपन कर लेते हो यहाँ पे जो 50% ऑफ आ रहा है, उसके बाद आपका जो 60 UC लगने वाला है। तो बस भाई लोग आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई यहाँ पे इवेंट्स वगैरह कुछ रह गया स्पिन वगैरह तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।